प्यार सच्चा हो तो उम्र मायने नहीं रखती। आज हम आपको उन टीवी स्टार्स के बारे में बताते हैं जिनकी उम्र अपने पार्टनर से कम है, मगर ये उम्र का फासला इनके प्यार को कम नहीं करता है। सबसे पहला नाम है नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह का। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत अब शादी के बंधन में बन चुके हैं। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर छाए हुए हैं। शादी के दिन तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में नेहा की शादी हो रही है। रोहनप्रीत नेहा कक्कड़ से 7 साल छोटे हैं। पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत 25 साल के हैं, वहीं नेहा की उम्र 32 साल है। लेकिन इन दोनों के बीच का प्यार देख हम तो यही कहेंगे, एज डजंट मैटर। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह। कृष्णा अभिषेक एक मशहूर कॉमेडियन है तो उनकी पत्नी कश्मीरा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। कृष्णा को लोग गोविंदा के भांजे के तौर पर भी जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कृष्णा अभिषेक अपनी पत्नी कश्मीरा शाह से 12 साल छोटे हैं। सुयश राय और किशोर मर्चेंट। 4 साल पहले 2016 में इस परफेक्ट जोड़ी ने शादी कर ली थी। ये दोनों एक साथ एज कपल बिग बॉस 9 में भी रह चुके हैं। किशोर ने अब तक कई सारे टीवी शोज किए हैं, वहीं सुयश वैसे तो टीवी एक्टर है पर उन्होंने भी कई सारे रियलिटी शोज में काम किया है। किशोर अपने पति से उम्र में 8 साल बड़ी है। दिलनाज ईरानी और परसी कारकरिया। टीवी एक्ट्रेस दिलनाज ईरानी जल्द ही अपने पार्टनर के साथ शादी करने वाली हैं। दिलनाज ईरानी की उम्र 49 है और उनके पार्टनर की उम्र 39 इयर्स है। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर है। दिलनाज ईरानी की पहली शादी टीवी अभिनेता राजीव पॉल से हुई थी। शादी के 12 साल बाद 2013 में दोनों ने तलाक ले लिया था। तनाज और बख्तियार ईरानी। टीवी के इस लोकप्रिय जोड़ी ने साल 2007 में शादी की थी। तनाज की उम्र 44 है, वहीं बख्तियार की उम्र 37 है। उनकी उम्र में 7 साल का अंतर है। ये तनाज की दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी फरीद कुरुम से हुई थी और उनकी एक 13 साल की बेटी भी है। गौहर खान और जैद दरबार। खबरों की माने तो गौहर खान उनसे 12 साल छोटे जैद दरबार को डेट कर रही हैं। जैद दरबार इस्माइल दरबार के बेटे हैं। गौहर खान इन दिनों बिग बॉस 14 की वजह से सुर्खियों में बनी हुई थी। बिग बॉस में गौहर ने तूफानी सीनियर के रूप में एंट्री ली थी। हालांकि दोनों को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों नवंबर 2020 में शादी करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो व्यूअर्स, किसकी जोड़ी है आपको सबसे ज्यादा पसंद, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए टेली मसाला।